हेलो दोस्तों, हिंदी अनुवाद टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन की एक ऐसी खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी बंदा आपके मोबाइल को देखेगा आपसे जलने लगेगा और आपसे पूछेगा, भाई तूने ये कैसे किया है मुझे भी बता दे। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे आना है और कमेंट में मुझे अपना नाम लिखकर बताना है आपका नाम क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस ट्रिक का काम क्या है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन पैनल वही पुराना सा होगा, जो टॉगल्स की डिज़ाइन है वही पुरानी सी होगी। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक की मदद से नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नए नए कलर ऐड कर सकते हैं, जो टॉगल्स है उसकी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके टाइटल पर आप क्लिक कीजिए। टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन कर लेना है और इसे परमिशन दे देना है। दोनों ही सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। यहाँ से मैं फटाफट इसे परमिशन दे देता हूँ और बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन पैनल में कलर को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है कलर पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कलर सेट कर लेना है, कौन सा कलर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ और ये रहा रेड कलर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर आ चुका है और मैं ओपन करता हूँ नोटिफिकेशन पैनल। आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी रेड कलर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर आप अलग अलग कलर को सेट करने के बाद अप्लाई कर दीजिए और आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन पैनल वो चेंज हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो चीज़ें ऑन है, जैसे कि यहाँ पर वाईफाई ऑन है, उस पर जो कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रीन सेट करके अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ऑन कर रखी है उसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का बटन दिया हुआ है दोस्तों, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं इसके कलर को। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर हम ये वाला कलर लेके इसे अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे यहां पर इसका भी कलर चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, यहां पर आप एक छोटे से एप्लीकेशन की मदद से नोटिफिकेशन पैनल को अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको टॉगल्स की डिज़ाइन को चेंज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैक आना है और लेआउट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पहला वाला ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप नोटिफिकेशन पैनल में जो टॉगल्स है उसकी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं और आपको कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, ये डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर। इस तरह से दोस्तों, आप नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।